हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय गुप्ता। वेलकम बैक ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल। तो आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज इन हिंदी, और इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एरे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरे की रिक्वायरमेंट क्या है, देन उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, देन उन टाइप्स में से जो एक टाइप है 1D एरे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 1D एरे का हाफ पार्ट इस वीडियो में कवर होगा, और रिमेनिंग पार्ट जो नेक्स्ट वीडियो होगा लेक्चर नंबर 16 उसमें कवर होगा। एंड आई होप कि आपने लूप के सारे वीडियोस देखे होंगे। तो मैंने आपको सबसे पहले फॉर लूप एक्सप्लेन किया था, देन व्हाइल लूप एंड देन डू व्हाइल, और उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो में नेस्टेड लूप के बारे में बताया था। तो जब भी आप एरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको लूप के बारे में सारी चीजें पहले से पता होना जरूरी है, क्योंकि बिना लूप के आप एरे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये सारी मेरी डिटेल्स हैं, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट डिस्कस करना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि वीडियो तो देख लेते हैं बट बहुत सारे डाउट्स मन में रह जाते हैं, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स ये वीडियो सीरीज फॉलो करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाके जो प्लेलिस्ट लिंक है उसको ओपन करके पूरे जितने भी वीडियोस हैं वो सब फॉलो कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एरे बेसिकली होता क्या है। तो शुरू के 5 से 7 मिनट मैं थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो सब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा। सो व्हाट इज एरे? सो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स। तो आज तक आपने जो भी प्रोग्राम बनाए, मतलब लूप तक जो भी प्रोग्राम हम बनाते थे, इसमें इफ एल्स, स्विच, फॉर लूप, व्हाइल, डू व्हाइल, इन सबको यूज करते हैं, तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम यूजर से एक या दो वैल्यूज इनपुट कराते हैं और उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। बट अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यूज पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब यूजर से बल्क में डेटा इनपुट करवाना है और उसको मेमोरी में स्टोर करना है, तो फॉर दैट पर्पज यू कैन यूज एरे। So this is covered through this first point. Then array stores homogeneous means similar type of elements. So array में जो भी element आप store करेंगे वो सब same type के होना जरूरी है. Then all elements of array store under a single variable. ये सबसे important point है कि अगर आप बहुत सारी values को store करना चाहते हैं तो बिना array के तो क्या होगा, आपको उतने ही variables declare करने पड़ेंगे. But array के case में क्या होगा कि आप एक ही वेरिएबल के अंडर में बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इस चीज को मैं अभी प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा। देन एरे इंप्लीमेंट्स, सॉरी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे स्टोर कंटिन्यूअसली इन मेमोरी। तो जो मेमोरी एलोकेट होती है वो जितने भी वैल्यूज आप स्टोर करेंगे वो मेमोरी में एक साथ एक के बाद एक स्टोर हो जाते हैं, तो कंटिन्यूअसली मेमोरी एलोकेट होती है। तो जब भी आपसे वाइवा में पूछा जाए व्हाट इज एरे, तो आप ये चारों पॉइंट्स वाइवा में एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। नाउ नीड ऑफ एरे। तो अब इस स्लाइड को मैं थोड़ा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ ही बताऊंगा, तो उसमें अपना ये थर्ड पॉइंट भी कवर हो जाएगा कि एरे में एक ही वेरिएबल में हम एलिमेंट कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कहता है, इफ वी स्टोर मोर देन वन वैल्यू इन अ वेरिएबल देन इट ओनली स्टोर्स द लास्ट वैल्यू, दैट इज वन वेरिएबल कैन स्टोर वन वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, इफ वी स्टोर मोर देन वन वैल्यू इन अ वेरिएबल देन इट ओनली स्टोर्स द लास्ट वैल्यू, दैट इज वन वेरिएबल कैन स्टोर वन वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी इसको देखते हैं। तो ये मैंने इंक्लूड की एक हेडर फाइल, देन मेन, और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए। ठीक है, अब देखो ए में अगर मैं 5 असाइन करता हूं तो ये 5 प्रिंट कर देगा। अगर मैंने लिखा ए इक्वल्स टू 10, तो अब क्या हुआ, मैंने ए वेरिएबल में अलग अलग टाइम पर दो वैल्यूज को स्टोर करवाया। ठीक है, ए वेरिएबल में अलग अलग टाइम पर दो वैल्यूज को स्टोर कराया, तो हुआ क्या, पहले ये 5 को स्टोर करेगा, देन उसके बाद ये 10 को स्टोर करेगा। तो जब हम ए में 10 को स्टोर कर रहे हैं तो क्या 5 अवेलेबल रहेगा या ओवरराइट हो जाएगा? तो आप कहेंगे ओवरराइट हो जाएगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है
कि एक वेरिएबल एक टाइम पर एक वैल्यू ही होल्ड कर सकता है। तो पहले पॉइंट का यही मतलब है, इफ वी स्टोर मोर देन वन वैल्यूज इन अ वेरिएबल देन इट ओनली स्टोर्स द लास्ट वैल्यू, दैट इज वन वेरिएबल कैन स्टोर वन वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टाइम, राइट। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि वी कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यूज इनटू मोर देन वन वेरिएबल्स एट सेम टाइम, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट कहता है कि अगर आपको बहुत सारी वैल्यू स्टोर करनी है तो आप उतने ही वेरिएबल बना दो, तो ए में 5 आ जाएगा और बी में 10, तो एक ही टाइम पर 5 भी स्टोर्ड है और 10 भी स्टोर्ड है। तो बात बिल्कुल सही है कि जब आपको बहुत सारी वैल्यू स्टोर करनी है तो बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। बट अब प्रॉब्लम क्या आएगी, इमेजिन करो कि मुझे 100 वैल्यूज को स्टोर करना है, कि एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं और मुझे उन 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है, तो क्या 100 वेरिएबल बनाना इजी अप्रोच होगी? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारा टाइम आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने में लग जाएगा, फिर उनको वैल्यू असाइन करना, प्रिंट एफ में यूज करना, तो आपको बार बार एक एक वेरिएबल का नेम अलग अलग टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कि हमें बहुत सारी वैल्यू स्टोर करनी है तो बहुत सारे वेरिएबल्स ना बनाने पड़े, तो हम उसके लिए थर्ड पॉइंट को फोकस करेंगे। बट इन केस ऑफ एरे वी कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल एट सेम टाइम, और यही अपन ने इस थर्ड पॉइंट में भी देखा था कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे स्टोर अंडर अ सिंगल वेरिएबल। तो अब एरे क्या करेगा, आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि आप एक ही वेरिएबल के अंडर बहुत सारी वैल्यूज को एक साथ स्टोर कर सकते। तो अब आपको होगी कि वो कैसे हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से डिक्लेरेशन करते हैं। सो दिस इज एरे डिक्लेरेशन, दिस इज एरे डिक्लेरेशन, और यहां पर एरे का नाम है ए, नेम कुछ भी हो सकता है, जो वेरिएबल के नेम्स आप यूज करते थे वही रूल यहाँ पे एरे नेम के लिए भी अप्लाई होंगे। बट ये जो वेरिएबल हमने एरे की फॉर्म में डिक्लेयर किया है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये एक ही टाइम पर 100 इंटीजर अपने अंदर स्टोर कर ले, ठीक है। और वो जो 100 इंटीजर्स होंगे वो किसके थ्रू एक्सेसिबल होंगे, ए वेरिएबल के, ठीक। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पहले टाइप्स देख लेते हैं। 3 टाइप्स अवेलेबल है, 1D array, 2D array, 3D array। तो इस वीडियो में मैं आपको 1D array के बारे में बताऊंगा और आगे आने वाले वीडियोज में आप 2D और 3D के बारे में भी सीखेंगे। तो 1D array बेसिकली क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स। तो 1D array बेसिकली वन डायमेंशनल होता है, मतलब एक रो बनेगी जिसमें बहुत सारी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। देन 2D array इज कलेक्शन ऑफ मोर देन वन 1D arrays। तो यहाँ पर बेसिकली जैसे मैथमेटिक्स में आप मैट्रिक्स बनाते हो, तो आप क्या करते हैं, रोज और कॉलम्स का कलेक्शन वहां पे क्रिएट करते हैं। तो सेम कलेक्शन आप किसमें क्रिएट कर पाएंगे, 2D array में। तो जब हमें बहुत सारे 1D array बनाने पड़े तो हम उसको कलेक्टिवली 2D array में कन्वर्ट कर सकते हैं। And same with 3D array, it is collection of more than one 2D arrays, ठीक है। तो जब हम 2D, 3D detail में discuss करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, but इस video में आपको 1D array properly समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब 1D array का declaration, तो मैंने आपको ये already बता दिया, सबसे पहले data type use करना है, then array का name use करेंगे, और square bracket में आपको क्या mention करना है, size। तो नीचे 3 example आप देख सकते हैं, first, second, एंड थर्ड। तो पहले इंटीजर एरे बनाया जिसका साइज है 10, देन फ्लोट एरे बनाया जिसका साइज है 10, देन कैरेक्टर एरे बनाया जिसका साइज भी क्या है, 10। वेरिएबल्स के नेम डिफरेंट हैं, डेटा टाइप डिफरेंट है, साइज भी डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है हर एरे का साइज 10 ही हो, साइज डिपेंड करेगा कितनी वैल्यूज आपको स्टोर करा दी, ठीक है। अब मेमरी कितनी एलोकेट होगी वो डिपेंड करेगा किस पर, डेटा टाइप पर। तो अगर आपका 16 बिट कंपाइलर है तो इंटीजर में 20 bytes, अगर आपका 32 बिट कंपाइलर है तो इंटीजर में 40 bytes, ठीक है। ये सिर्फ इंट में डिफरेंस होता है, फ्लोट में आप कोई भी कंपाइलर यूज करोगे तो हमेशा अगर आपको 10 वैल्यू स्टोर करनी है तो हर ब्लॉक को 40 bytes मिलेंगे, ठीक है। और कैरेक्टर में एक ब्लॉक को 1 byte मिलता है, तो अभी हम 10 ब्लॉक बना रहे हैं तो हमें कितने bytes मिल जाएंगे, 10 bytes। तो नीचे नोट आप पढ़ सकते हैं, वी कैन डिक्लेयर एनी टाइप ऑफ एरे, तो आप किसी भी टाइप का एरे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। अब ये है मेमोरी एलोकेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक एरे डिक्लेयर किया इंट ए ऑफ 10, तो एरे का नेम तो क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, दिस इज नेम ऑफ एरे जिसके थ्रू ये पूरी मेमोरी रिप्रेजेंट होगी। तो
तो इस पूरी मेमोरी का जो नेम है वो क्या है, ए। हर ब्लॉक का नेम ए होगा। टोटल कितने ब्लॉक्स बने, 10। तो अब आप कहोगे कि हर ब्लॉक का नाम ए है तो हम उनको यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इंडेक्स। तो फर्स्ट ब्लॉक का इंडेक्स है 0, सेकंड ब्लॉक का इंडेक्स है 1, देन 2, 3, 4 अप टू साइज -1। तो अगर एरे का साइज है 10 तो लास्ट इंडेक्स का जो लास्ट इंडेक्स होगा उसका नंबर क्या होगा, 9। तो नीचे लिखा है इंडेक्स इज यूज टू एक्सेस लोकेशन ऑफ एन एरे यूनिकली। ठीक, तो कैसे करेंगे उसके एग्जांपल्स भी यहाँ लिखे हुए हैं। तो अगर मुझे लास्ट लोकेशन पर कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो मैंने क्या लिखा, ए ऑफ 9 इक्वल्स टू 50। तो 50 9th इंडेक्स पर जाकर स्टोर हो जाएगा। तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर जाकर आपकी जो 50 है वैल्यू वो स्टोर हो जाएगी। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे कि हम एरे की जो इंडिविजुअल लोकेशन है उसको कैसे एक्सेस करेंगे। आपको पहले एरे का नाम यूज करना है और जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बीच में क्या लिख देंगे, इंडेक्स। तो आगे कमेंट में लिखा हुआ है असाइन 50 एट 9th इंडेक्स ऑफ एरे। ठीक है, किसी और इंडेक्स पर असाइन करना है तो आप वो इंडेक्स यहाँ मेंशन करेंगे। अब आप कहोगे कि इससे अच्छा तो हम अलग अलग वेरिएबल ही बना लेते कि हमें बार बार इंडेक्स लिखना पड़ रहा है। तो जब आप यूजर से इनपुट कराएंगे तो आपको इंडेक्सेस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक लूप इटरेट करेंगे और वो लूप ऑटोमेटिकली अलग अलग इंडेक्स जनरेट कर देगा, क्योंकि एरे का नेम तो सेम है, हमें सिर्फ इंडेक्स को चेंज करना है। तो अभी आगे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे हम एरे को एक ही वेरिएबल के थ्रू रीड करेंगे और हमें एरे का नाम और इंडेक्स बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। देन अगर आप एरे की कोई वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं तो अब देखो यहाँ एक्स एक वेरिएबल है और हमें असाइन क्या करना है, ए एरे के थर्ड इंडेक्स पर जो वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, तो थर्ड इंडेक्स मतलब ये लोकेशन। तो इस लोकेशन पर जो भी वैल्यू अवेलेबल होगी वो किस में असाइन हो जाएगी, एक्स वेरिएबल में। तो ये आपको ऑलरेडी मालूम ही है कि राइट हैंड साइड पर जो लिखा होता है वो हमेशा अपनी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को असाइन कर देता है। तो कमेंट भी पढ़ सकते हो, असाइन वैल्यू ऑफ थर्ड इंडेक्स ऑफ एरे इनटू एक्स। तो इस तरीके से आपको अब एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं वो समझ में आ गया, मेमोरी किस तरीके से एलोकेट होती है वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और मेमोरी का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो बता दिया, इंडेक्स क्या होता है वो आपको बताया कि हम अलग अलग लोकेशन को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स यूज करेंगे, तो एरे का नाम सेम रहेगा और इंडिविजुअल लोकेशन के लिए हम इंडिविजुअल इंडेक्सेस यूज करेंगे। अब बात करते हैं इनिशियलाइजेशन कि हमें अगर एरे में कोई वैल्यू असाइन करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज एट द टाइम ऑफ वेरिएबल क्रिएशन। ठीक, तो छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर मैं लिखता हूं int a equals to 50, सो दिस स्टेटमेंट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन कि मैंने एक वेरिएबल बनाया a और उसमें क्या असाइन कर दिया, 50। तो अब हम यहां पर क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एरे बनाते हो तो उसमें आप वैल्यूज किस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे। तब देखो इसमें 3 स्टेटमेंट तो वैलिड है और 2 इनवैलिड। तो पहला है int a 5 equals to 1, 2, 3, 4, 5। तो अब आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करना है वैल्यू असाइन करने के लिए, तो साइज 5 था इसलिए हमने 5 वैल्यू स्टोर कर दी। अगर आप साइज ब्लैंक रखते हैं और इनिशियलाइज कर रहे हैं तो ये भी ओके होगा, बट अगर आपने साइज ब्लैंक रखा, इस केस में अगर आपने साइज ब्लैंक रखा और वैल्यू भी इनिशियलाइज नहीं किया तो ये जो स्टेटमेंट है इट इज नॉट ओके, ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर साइज ब्लैंक है इट मीन्स आपको वैल्यू असाइन करना जरूरी है, क्योंकि जितनी वैल्यू आप असाइन करेंगे उसी से पता चलेगा कि एरे का साइज कितना है, और सी प्रोग्रामिंग के अंदर एरे का साइज मेंशन करना जरूरी होता है, अदरवाइज ये ही नहीं पता चलेगा कि कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है। राइट, नाउ दिस इज आल्सो इनवैलिड कि साइज 2 है और आपने साइज से ज्यादा वैल्यू स्टोर की तो ये भी एरर शो करेगा, सो इट इज आल्सो नॉट ओके। बट अगर साइज ज्यादा है और कम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे सो दिस इज ओके। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड इंडेक्स पर तो 1, 2 असाइन हो जाएगा और रिमेनिंग जो ब्लॉक्स हैं उनमें क्या असाइन होगा, 0। तो इस तरीके से आप एरे में वैल्यूज इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एरे को रीड कैसे करें और प्रिंट कैसे कराएं। तो मैंने आपको बताया था कि हमें इंडेक्स बार बार यूज नहीं करना पड़ेगा, हम एक लूप इटरेट कर देंगे, और वीडियो के बिगिनिंग में आपको बोला था कि जब आप एरे पढ़ेंगे तो आपको लूप से फैमिलियर होना जरूरी है। तो आई होप जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऑलरेडी लूप पढ़ चुके हैं,
और अगर जिन्होंने लूप को स्टडी नहीं किया है और बिगिनर हैं तो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है पहले नंबर पर, तो उस प्लेलिस्ट को ओपन करो और उसमें लूप के 3-4 वीडियोज हैं उनको देखोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एरे प्रॉपरली समझ में आएगा। तो अब ये जो लूप हमने रोटेट किया है कितनी बार रिपीट होगा, 10 times, 0 से स्टार्ट हुआ और 9 तक चलेगा, क्योंकि कंडीशन में क्या लिखा है, आई लेस देन 10, तो ये 10 जब होगा तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब 9 तक ये ट्रू रहेगा। तो 0 से 9 मतलब 10 टाइम्स। हर बार यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए ऑफ आई, तो ए तो फिक्स हो गया एरे का नेम, चेंज कौन हो रहा है आई, तो पहले आई 0 होगा तो ये बन जाएगा ए 0, फिर आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पे बनेगा ए 1, तो इट मीन्स पहले वैल्यू ए 0 इंडेक्स पर जाएगा, फिर ए 1 इंडेक्स पर जाएगा, फिर ए 2 इंडेक्स पर जाएगा, और वही हमें करना था। तो अब आपको समझ में आएगा कि अगर हमें बल्क में डेटा स्टोर करना है तो एरे को यूज करना बेनिफिशियल क्यों होता है, क्योंकि एक ही वेरिएबल के थ्रू हम बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर पा रहे हैं और हमें स्टेटमेंट्स को भी बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है, हम लूप के थ्रू उसको रिपीट कर पा रहे हैं। एंड सिमिलर टू रीडिंग, आप प्रिंटिंग के लिए भी लूप चलाएंगे, वही 0 से लेस देन 10 तक, और यहाँ पर ए ऑफ आई को प्रिंट करेंगे तो अगेन पहले ए 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर ए 1 इंडेक्स प्रिंट होगा, एंड सो ऑन। तो ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था, अब हम चलेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर। तो मैं आपको 1 DRA का एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके बताता हूँ जिससे आपको ये जितनी भी थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो समझ में आ जाएगी। तो अपनी स्लाइड पर चलते हैं। तो मैंने आपको बताया नीड ऑफ एरे की, एरे की रिक्वायरमेंट क्या है, टाइप्स बताए जिसमें हमने 1 DRA को पिक किया। तो हमने 1 DRA का डिक्लेरेशन कवर किया, मेमोरी एलोकेशन कवर किया, इनिशियलाइजेशन कवर किया, और उसको रीड और प्रिंट कैसे करते हैं वो कवर किया। तो पहले मैं इतनी चीज का एक बार प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बता देता हूँ और फिर हम ये दो प्रोग्राम्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, ये मैंने डिक्लेयर किया एरे। तो सबसे पहले मैं आपको इनिशियलाइजेशन बता देता हूँ कि वैल्यूज इनिशियलाइज करेंगे तो क्या क्या होता है। तो ये है 5 और इस तरीके से आप वैल्यूज इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने एरे में वैल्यूज पुट कर दी तो मुझे यूजर से इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसी को रन करवा सकता हूँ। तो मुझे तो सिर्फ आउटपुट में ये वैल्यूज डिस्प्ले करानी है। तो पहले मैंने लिखा प्रिंट एफ एरे कंटेन्स, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक फॉर लूप लिखा, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और इस फॉर लूप के साथ एक प्रिंट एफ और लिखा जो कि एरे में जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट कराने का काम करेगा, और आई वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर कर दिया। तो लूप 5 बार चलेगा 0 से लेकर 4 तक। तो सबसे पहले ए 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर ए 1, फिर ए 2, फिर ए 3, ए 4, और टोटल 5 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो मैंने इसको सेव किया, कंपाइल और रन करते हैं। देखो एरे कंटेन्स 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब अगर अपन वापस अपनी PPT पर चलते हैं तो देखो ये इनिशियलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा, पहला स्टेटमेंट। अब दूसरे को वैलिडेट करते हैं कि ये वैलिड है या नहीं। तो अब मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, साइज कुछ भी नहीं है, बट मैंने 5 वैल्यूज यहाँ पे डाल दी तो इसका साइज अपने यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, लेट्स से इसको 6 कर देता है, तो अब लूप आपको एक बार और चलाना पड़ेगा ताकि सारी वैल्यूज तो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो। तो इसको कंपाइल एग्जीक्यूट करते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, एरे का साइज अपने आप डिसाइड हो गया और ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अब एक एरे डिक्लेयर करते हैं बी, और उसमें ना तो साइज मेंशन करते हैं ना ही उसको इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं सिर्फ कंपाइल करूंगा, रन नहीं कर रहा हूं, कंपाइलेशन टाइम पर ही एरर आ जाएगा। ये देखो स्टोरेज साइज ऑफ बी इजंट नोन, तो आपने बी का साइज मेंशन नहीं किया ना ही वैल्यू इनिशियलाइज की, तो यहां पर एक एरर आ गई, जबकि ऊपर वाले स्टेटमेंट पे कोई एरर नहीं आई क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज इनिशियलाइज कर रखी, ठीक है। तो ये इनवैलिड होगा। तो मैंने ये भी आपको जस्टिफाई किया, तो हमने ये भी रन करके देखा, ये भी रन करके देखा। अब दो चीजें बचती हैं, उनको और चलाकर देखते हैं कि अगर साइज 2 है और ज्यादा वैल्यू आपने इनिशियलाइज की तो क्या होगा। देखो फिर से एरर आ गई, टू मैनी इनिशियलाइजर्स फॉर इंट 2, तो साइज तो 2 है और आपने वैल्यू असाइन कर दी 6, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो इट मीन्स ये भी हमने ट्राई किया तो जैसा मैंने आपको बताया था वैसा ही हो रहा है। एंड अब लास्ट ट्राई करते हैं कि साइज ज्यादा है
लेट से साइज इज 20 और वैल्यू हमने डाली है 6, तो अब देखो ये प्रॉपर रन होगा, 6 वैल्यूज आपकी डिस्प्ले हो गई, कोई एरर नहीं आई। तो इस तरीके से जो चीजें मैंने आपको यहाँ थियोरेटिकली बताई थी वो प्रैक्टिकली भी एज इट इज वर्क कर रही है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एरे के अंदर हम एक ही वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये आपको अब समझ में आ गया होगा, बट इन केस ऑफ एरे वी कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल एट सेम टाइम। तो हम ऐसा ही कर रहे हैं, हम एक ही वेरिएबल, यहाँ पर देखो एक ही वेरिएबल है ए, और उसमें एक ही टाइम पर एक टाइप की बहुत सारी वैल्यू स्टोर करके उसको प्रोसेस कर रहे हैं। और हमने ना तो प्रिंट एफ को बहुत बार लिखा है कि वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम 6 प्रिंट एफ लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, ना ही हमने 6 बार वेरिएबल यूज किया, इंस्टेड हमने लूप यूज कर लिया। तो लूप के बिना एरे का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, तो पहले लूप पढ़ो और उसके बाद एरे को पढ़ो। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली एक सीक्वेंस में आप कवर कर सकते हैं, एक भी टॉपिक मिस करेंगे तो अगला टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। सो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब लास्ट बचते हैं दो प्रोग्राम, कि अगर एरे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज अवेलेबल है तो उनका सम कैसे प्रिंट करें, और दूसरा है कि एरे में जो वैल्यूज अवेलेबल है उनको रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट कराएं। तो अब इन दोनों प्रोग्राम की हेल्प से आपको ये पता चलेगा कि यूजर से इनपुट कैसे कराते हैं वैल्यूज। तो पहले फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं, कैलकुलेट सम ऑफ वैल्यूज स्टोर्ड इन एरे। एंड एरे बहुत ही पॉपुलर, आप जब आपकी जॉब लगेगी, आप बीटेक कंप्लीट करेंगे और जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहां पर बल्क में डेटा हमें मैनेज करना होता है, तो वहां पर एरे मोस्ट पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो हो सकता है कि इसका नाम डिफरेंट हो, कुछ जगह पर हम इसको लिस्ट की फॉर्म में यूज करते हैं, कुछ जगह हम एज इट इज एरे की फॉर्म में यूज करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, तो हर टेक्नोलॉजी में जो टर्म है वो चेंज हो सकती है। तो सी में हम इसको एरे बोलते हैं, मतलब कलेक्शन, तो एरे का इंग्लिश में मीनिंग होता है कलेक्शन। तो अब हम यूजर से इनपुट कराएंगे 10 वैल्यूज और उनका सम स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे। तो मैंने एरे का साइज लिखा 10, सम कैलकुलेट करना है तो एक वेरिएबल ले लिया एस जो 0 से इनिशियलाइज किया। अब मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ एंटर 10 वैल्यूज, के बाद एक लूप इटरेट होगा जो कि 10 टाइम चलेगा। एंड अब देखो इस लूप के साथ स्कैनफ को रिपीट कराना है क्योंकि वैल्यूज हमें यूजर से इनपुट करानी है, और आप लिख सकते हैं a ऑफ i। ठीक, तो प्रिंट एफ एंटर 10 वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएगा, ये लूप 10 टाइम चलेगा। तो लूप आपको अच्छे से मालूम है कि कैसे काम करता है। तो लूप जब 10 टाइम चलेगा तो ये 0 से स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा। तो पहली वैल्यू a 0 में स्टोर होगी, फिर i प्लस प्लस होकर 1 हो जाएगा, तो अगली वैल्यू a 1 में स्टोर होगी। तो आप देख सकते हैं एरे का जो नेम है वो तो हमेशा सेम रहेगा, इंडेक्स i के थ्रू ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। तो जो भी वैल्यू हम इनपुट कराएंगे वो अलग अलग इंडेक्स पर जाकर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें सम कैलकुलेट करना है, तो मैं उसके लिए एक और लूप इटरेट कर रहा हूं। तो i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस, और इस लूप के अंदर हम लिखेंगे s इक्वल्स टू s प्लस a ऑफ i। तो अब जब भी एरे को प्रोसेस करना है तो आपको ये तो ध्यान ही रखना पड़ेगा कि एरे का नाम और उसका इंडेक्स फैच करने के लिए हम जो लूप काउंटर वेरिएबल है i उसको यूज करेंगे। अगर आपने i की जगह j लिखा है, k लिखा है, तो उसको भी यूज कर सकते हो, तो वो डिपेंड करता है। तो अब s वेरिएबल में जो भी एरे में वैल्यूज अवेलेबल है वो सब ऐड हो जाएंगी। लूप फिनिश होने के बाद आपको सम प्रिंट कराना है, तो आप लिख सकते हैं सम इक्वल्स टू परसेंट d और s। ठीक है, अब ये बताओ क्या ये प्रिंट एफ लूप के साथ रिपीट होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि इस फॉर लूप के साथ कर्ली ब्रेसेस नहीं है, और जब लूप के साथ कर्ली ब्रेस नहीं होता है तो वो एक स्टेटमेंट को ही रिपीट करता है। और सम प्रिंट कराने के लिए क्या प्रिंट एफ को रिपीट करना जरूरी था? आप बोलेंगे नो। क्यों? क्योंकि सम एक सिंगल वैल्यू होगी तो वो हम सिंगल प्रिंट एफ के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं, उसके लिए हमें लूप यूज करने की जरूरत नहीं है। तब इसको रन कर लेते हैं। तब देखो मैं 10 टाइम 1 एंटर करूंगा जिससे हम अपना आउटपुट भी वैलिडेट कर सकते हैं। देखो सम इक्वल्स टू 10।
तो इट मींस अपना प्रोग्राम प्रॉपरली काम कर रहा है। अब आप चाहते हैं कि मैं सम के साथ साथ एरे को भी डिस्प्ले करा दूं, ठीक है, तब देखो यहाँ पे दो तीन चीजें की जा सकती हैं कि आप क्या कर सकते हो। एक तो ये जो सम कैलकुलेट किया है इसके लिए आप अलग से लूप ना चलाकर इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि इसको यहाँ से कट करो, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा दो और इसको यहाँ पेस्ट करो और स्कैनफ को यहाँ से कट करो और इसको भी यहाँ पेस्ट करो, तो ये चीज भी पॉसिबल है। तो इससे क्या होगा, अब ये फॉर लूप वैल्यू रीड करेगा तो स्कैनफ वैल्यू ए ऑफ आई पोजिशन पर स्टोर करेगा और हाथों हाथ वो एस वेरिएबल में एड भी हो जाएगी। तो 10 वैल्यूज रीड होने के साथ साथ उनका एडिशन एस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो रहा है। जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो प्रिंट एफ क्या करेगा, एस की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करा, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मुझे एरे में जो इनपुट था वो वैल्यूज भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करानी है, तो उसके लिए आप एक प्रिंट एफ और लिखो, एरे कंटेन्स के बाद एक लूप इंप्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है, और इस लूप में प्रिंट एफ लगा देते हैं और ये क्या करेगा, एरे की वैल्यूज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देगा। तो अगेन ये जो लूप है ये सिर्फ और सिर्फ इसी प्रिंट एफ को रिपीट करेगा क्योंकि फॉर लूप के साथ कर्ली ब्रेसेस नहीं है, और जब सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे तो उसके बाद ये सिंगल प्रिंट एफ सम को डिस्प्ले कर देगा। तो फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब की बार मैं सारे वैल्यूज एंटर कर रहा हूं 2। तो देखो एरे कंटेन्स सारे 2 प्रिंट हो गए 10 टाइम्स और सम प्रिंट हो गया 20। तो इस तरीके से अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि एरे को भी डिस्प्ले कराना है और जो भी कैलकुलेशन में हमने की है वो भी डिस्प्ले करानी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने एक ही वेरिएबल के थ्रू बहुत सारी वैल्यूज को कैसे मेंटेन किया। अब आप कहोगे कि ये तो 10 के लिए काम कर रहा है, अगर हमें 20, 30 वैल्यूज को अगर प्रोसेस करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एरे का साइज 20 करो और जितने भी लूप आपने लिखे हैं वो सब 20 टाइम चला दो, तो अब ये 20 वैल्यूज के लिए काम करने लगेगा। तो देखो कितना ईजी हो गया, अगर मैं बोलता कि 10 वेरिएबल बनाओ फिर आप उनको रीड करो, उनको सम करके प्रिंट कराओ, ठीक है आप कर लेते। जैसे ही मैं बोलता कि उन 10 वेरिएबल्स की जगह आप 20 वेरिएबल डिक्लेयर करो, तो क्या आप जितनी जल्दी मैंने इस प्रोग्राम को चेंज किया आप चेंज कर पाते, आप बोलेंगे नो, क्योंकि हमें 20 वेरिएबल बनाने में इतना टाइम लग जाता है, उससे फास्टली तो मैंने यहाँ पर साइज मॉडिफाई करके प्रोग्राम को चेंज कर दिया। तो इसलिए एरे बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है जब आपको बल्क में डेटा प्रोसेस करना है। तो अब इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अब मैं 4 एंटर करूंगा तो आप देखोगे कि मैं 20 टाइम ये वैल्यूज एंटर कर पाऊंगा। तो ये मैं फिर से करता हूँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है 20 वैल्यूज प्रिंट हो गई। तो जो मैंने इनपुट कराया था वो देखो ऊपर है, उसके बाद एरे कंटेन्स 20 वैल्यूज प्रिंट कर रहा है और उसके बाद 20 × 4, 80 सम आ गया। तो इस तरीके से आप इजीली अपने एरे के साइज को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम एरे से कैसे प्रोसेसिंग करते हैं। अब ये अपना लास्ट जो प्रोग्राम है उसको देखते हैं, प्रिंट एरे वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो प्रिंट एरे वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर, तो मैं आपको दोनों ही बता दूंगा कि जिस ऑर्डर में हमने वैल्यू यूजर से इनपुट की वो भी प्रिंट कराते हैं और उसका रिवर्स ऑर्डर भी प्रिंट कराते हैं। तो साइज ले लेते हैं 10, अब हमें सम वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ पर भी साइज 10 होगा, ठीक है ये कर्ली ब्रेस हटा देते हैं क्योंकि सम नहीं करवाना, हमें एक ही स्टेटमेंट रिपीट कराना है, ठीक है। अब एरे कंटेन्स तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर से पेस्ट कर देता हूँ और यहां लिख देते हैं एरे रिवर्स, ठीक है। यहां से बैकस्लैश एन हटाकर परसेंट डी के जस्ट बाद कॉमा लगा दिया, तो उससे क्या होगा हर डिजिट के बाद कॉमा प्रिंट होगा, और यहां पर स्लैश एन लगा देते हैं जिससे कर्सर न्यू लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, यहां भी स्लैश एन लगा देते हैं, यहां से स्लैश एन हटा के परसेंट डी के बाद कॉमा लगा दिया तो हर डिजिट के बाद कॉमा प्रिंट होगा। तो अब देखो दोनों लूप 0 से 10 तक चल रहे हैं, तो ये तो जिस ऑर्डर में आप इनपुट करेंगे उसी ऑर्डर में वैल्यू प्रिंट कराएगा, हमें रिवर्स भी प्रिंट कराना है तो उसके लिए क्या करो, आई को 9 से स्टार्ट करो
और लूप चला दो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो और माइनस माइनस। ठीक है, इसका मैं एक तरीका और बताने वाला हूं अभी। तो पहले ये देखते हैं कि हमने लूप को लास्ट से स्टार्ट किया तो हमें पता है साइज 10 है, ऊपर एरे का साइज 10 है तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, साइज माइनस 1 मतलब 9। तो हमने आई को 9 से स्टार्ट किया तो सबसे पहली वैल्यू कौन सी प्रिंट हो जाएगी, ए ऑफ 9। फिर आई माइनस माइनस होकर 8 हो जाएगा तो ये प्रिंट करेगा ए ऑफ 8, फिर 7, और ये कहां तक जाएगा, जब तक वैल्यू 0 है, जैसे ही वो माइनस 1 होगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखो एरे कंटेंस पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही प्रिंट हो रहा है जो हमने एंटर किया, और दूसरा एरे रिवर्स प्रिंट हो रहा है जिसमें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब आप कहोगे कि मुझे तो लूप इसी तरीके से ही चलाना है, मुझे चेंज ही नहीं करना, मुझे तो लूप को 0 से 10 तक ही चलाना है और फिर भी रिवर्स प्रिंट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे, ये लिख दीजिए, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। फाइनली जो रिजल्ट है वो एक इंडेक्स वैल्यू बनना चाहिए। तो अब देखो आई इनिशियली 0 है तो ये क्या बनेगा, 9 माइनस 0 मतलब 9th इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होकर 1 होगा, यहाँ पर आई 1 हो जाएगा तो अगली बार क्या, ये क्या बनेगा, 9 माइनस 1 मतलब 8। फिर आई 2 होगा तो 9 माइनस 2 मतलब 7। तो जब इसको अपन फिर से रन करेंगे तो भी आप देखोगे कि आपकी जो वैल्यूज है वो रिवर्स ऑर्डर में ही प्रिंट हो। तो ये दूसरा तरीका है एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स प्रोसेस करने का। तो फर्स्ट आउटपुट में जो इनपुट है वो उसी फॉर्म में आ रहा है और सेकंड जो है एरे रिवर्स, उसमें रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए कि एरे को रिवर्स प्रोसेस करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एरे का बेसिक हमने कंप्लीट किया। तो पहले हमने थियोरेटिकल पार्ट कवर किया था एंड उसके बाद मैंने आपको ये दो प्रोग्राम्स प्लस जो थ्योरी था उसका भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताया। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। कहीं भी कोई भी डाउट है बिना हेजिटेशन के मुझसे कम्युनिकेट करिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। और अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा क्योंकि उस लेक्चर नंबर 16 में मैं आपको और 1D एरे से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स जो कि सामने लिस्टेड हैं उनको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। तो हम एक एक करके सारे प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उस पर 2D एरे और 3D एरे की बात करें। तो पूरी वीडियो सीरीज को फॉलो करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामिंग के बारे में सीख पाए। तो आई होप कि आप सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज जो आप ये फॉलो कर रहे हैं उसको अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे कम्युनिकेट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये लिंक शेयर करिए ताकि वो भी अगर बिगिनर है तो सी लैंग्वेज प्रॉपरली पढ़ पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।